राहुल जी, सिलेबस दिख रहा है? स्क्रीन शेयर हो रहे हैं? यस सर। हाँ, ये आपको मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का ये सिलेबस है हाँ टोटल। जी सर। हाँ, 6 सेमेस्टर की यह है, 3 क्रेडिट्स है इसमें। सेशनल मार्क्स 25 का है, थ्योरी मार्क्स 75 का है। ये सिलेबस में दिया गया है, लेकिन अभी वो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन अभी चेंज किया है यूनिवर्सिटी ने, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये सिलेबस में इस तरह का आपको दिया हुआ है। तो यूनिट 1 में टूलिंग फॉर द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है, मोल्ड एंड डाई डिजाइन दिया हुआ है, प्रेस टूल्स दिया हुआ है, कटिंग टूल्स दिया हुआ है, होल्डिंग टूल्स दिया हुआ है, जिग्स एंड फिक्चर्स दिया हुआ है, प्रिंसिपल एप्लीकेशन एंड डिजाइन दिया हुआ है, प्रेस टूल का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, डिजाइन ऑफ द डाई एंड पंच दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ द फोर्जिंग डाई डिजाइन दिया हुआ है। ये आपको यूनिट 1 में आपको दिया हुआ है, और यूनिट 2 में मेट्रोलॉजी का आपको दिया हुआ है। मेट्रोलॉजी, डायमेंशन, फॉर्म, सरफेस मेजरमेंट, लिमिट्स, फिट्स, टॉलरेंसेस, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, कंपरेटर्स, गेज डिजाइन, इंटरफेरोमेट्री, मेट्रोलॉजी इन टूल वियर एंड पार्ट फैमिली इंक्लूडिंग द सरफेस इंटीग्रिटी आपको दिया हुआ है, अलाइनमेंट एंड टेस्टिंग मेथड दिया हुआ है, टॉलरेंस अलायंस इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली दिया हुआ है, प्रोसेस मेथोडोलॉजी फॉर द इमर्जिंग मशीनिंग प्रोसेस सच एज माइक्रो स्केल मशीनिंग दिया हुआ है, इंस्पेक्शन एंड वर्क पीस क्वालिटी दिया हुआ है ना। तो हाँ जी ये सर। सारे आपको सिलेबस यूनिट 2 का आपको दिया हुआ है। यूनिट 3 में आपको असेंबली प्रैक्टिस दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलीज दिया हुआ है, प्रोसेस प्लानिंग दिया हुआ है, सिलेक्टिव असेंबली दिया हुआ है, मटेरियल हैंडलिंग एंड डिवाइसेस दिया हुआ है। और ये यूनिट 2 में मेट्रोलॉजी के बारे में दे दिया है, यूनिट 1 में आपको प्रेस टूल के बारे में दिया हुआ है, जिग्स एंड फिक्चर का दे दिया है। तो इससे क्या होता है कि ये आपको एक बुक में आपको मिलेगा ही नहीं। यूनिट 2 में मेट्रोलॉजी के बारे में दिया हुआ है, यूनिट 3 में असेंबली प्रैक्टिस के बारे में दिया हुआ है, तो ये वास्ट सिलेबस आपको दिया हुआ है। और दूसरा, यूनिट 4 से यूनिट 6 ये मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस है, मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस के बारे में आपको दिया हुआ है। यूनिट 4 में एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में दिया हुआ है, वाटर जेट मशीनिंग के बारे में दिया हुआ है, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग के बारे में दिया हुआ है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के बारे में दिया हुआ है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पैरामीटर्स के बारे में आपको दिया हुआ है। एक मिनट, मैं सबको पहले एंटर कर दूं, काफी वेटिंग में आ गए हैं। तो और यूनिट 4 से यूनिट 6 जो है मॉडर्न मशीनिंग प्रोसेस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में आपको दिया हुआ है। शिखर जी ज्वाइन कर रहे हैं, पहले मैं इनको सभी को इंटर कर दूं। और अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के बारे में दिया हुआ है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पैरामीटर्स के दिया हुआ है। यूनिट 5 में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में दिया है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पैरामीटर्स के बारे में दिया हुआ है, मेटल रिमूवल रेट के बारे में दिया हुआ है, सरफेस फिनिश के बारे में दिया हुआ है, टूल वियर के बारे में दिया हुआ है, डायलैक्ट्रिक पावर एंड कंट्रोल सर्किट के बारे में दिया हुआ है, वायर रीडिंग के बारे में दिया हुआ है, इलेक्ट्रो केमिकल मशीनिंग के बारे में दिया हुआ है, एचेंट एंड मैस्केट्स के बारे में दिया हुआ है, प्रोसेस पैरामीटर के बारे में दिया हुआ है, मेटल रिमूवल रेट एंड सरफेस फिनिश के बारे में दिया हुआ है, लेजर बीम मशीनिंग के बारे में दिया हुआ है, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के बारे में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग के बारे में दिया हुआ है। तो ये सारे एडवांस एडवांस मशीनिंग प्रोसेस हैं। ये एडवांस मशीनिंग प्रोसेस का ये बारे में दिया हुआ है। ये मशीनें, ये जितने भी दिया वहां पर दिए हुए हैं, ये मशीनें आपके जो है काफी कॉस्टली है,
और ये अभी आपके कॉलेज में नहीं है, है ना, कॉलेज में एक भी मशीन इसका जो है आपको इसका एक भी मशीन आपका वहां पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग, है ना, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, ये कोई भी मशीन वहां पर नहीं है। इसीलिए सिलेबस जो है काफी आपको फास्ट दिया हुआ है, आपको ये कई बुक्स आपको यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं, है ना। तो ये टेस्ट बुक आपको दिए हुए हैं, लेकिन टेस्ट बुक में एक किसी भी टेस्ट बुक से आपका सिलेबस आपका कवर नहीं होगा। एक भी से ये मॉडर्न मशीनिंग पीसी पांडे अंसान से जो है आपको दिया हुआ है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पीसी शर्मा से दिया हुआ है। तो आपको इसीलिए लेक्चर नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और यूनिट 3 से यूनिट 4, 5, 6 ये तीन यूनिट का मैंने लेक्चर नोट्स, कंप्लीट लेक्चर नोट्स मैंने आपको व्हाट्सएप पे आपको भेज दिया है, है ना, यूनिट 4 का, यूनिट 5 का, यूनिट 6 का। ये सबसे आसान टॉपिक है, इसीलिए पहले आपको यूनिट 4, 5 और 6 के बारे में आपको करवाया जाएगा, है ना। तो इसमें सिलेबस को फिर दोबारा आप समझ लीजिए। यूनिट 1 में आपको प्रेस टूल के बारे में दिया हुआ है, कटिंग टूल के बारे में दिया हुआ है, जिग्स एंड फिक्चर के बारे में दिया हुआ है ना, प्रेसेस के बारे में आपको दिया हुआ है, मोल्ड एंड डाई डिजाइन के बारे में दिया हुआ है। यूनिट 2 में मेट्रोलॉजी के बारे में दिया हुआ है, ये मेट्रोलॉजी का बुक से कवर होगा। और यूनिट 3 में न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, न्यूमेरिकल है वो सभी जो है मशीनिंग में आपको न्यूमेरिकल्स भी है, कि किस तरह न्यूमेरिकल जो है मेटल कटिंग का, मेटल रिमूवल रेट का, ये सब के फॉर्मूले हैं मशीनिंग एक्यूरेसी का, और उसका जो है आपको न्यूमेरिकल है ना। तो ओके सर, हाँ इसमें न्यूमेरिकल भी आपको दिया हुआ है, न्यूमेरिकल भी आपको इसमें आपको दिया हुआ है। तो ये आपका सिलेबस है ना, सिलेबस ये एडवांस मशीनिंग प्रोसेस है जो आपके सिलेबस में है। अभी तक ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें उसके सारे मशीनें कॉलेज में हैं, वो ट्रेडिशनल आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था। ये जो है आपको एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें एक भी मशीन आपके कॉलेज में नहीं है, क्योंकि ये मांगी है, सिलेबस में भी दिया हुआ है, लेकिन वो अभी तक परचेज नहीं है, रिक्वायरमेंट में है ना। तो नाउ वी विल मूव टू द एब्रेसिव जेट मशीनिंग। ये आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है आपको एब्रेसिव जेट मशीनिंग का? यस सर, हाँ आ रहा सर। हाँ तो ये एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में आपको इसमें पढ़ाएंगे। तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग में क्या क्या है, पहले मैं उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। पहले तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग का आपका डिफिनेशन है, फिर प्रोसेस के बारे में आपको बताया जा रहा है। इसमें मेनली नोजल यूज होता है, नोजल के बारे में यहाँ पर डिफिनेशन बताया गया है। उसके बाद नोजल के प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, एब्रेसिव के प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, उसमें प्रोसेस पैरामीटर क्या क्या होता है वो उसके बारे में बताया गया है, एप्लीकेशंस ऑफ द एजीएम, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, मशीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो ये आपको इसके बारे में आपको बताया गया है ना। तो ये आपको ये न्यूमेरिकल यहाँ पर है, आप न्यूमेरिकल पूछ रहे थे, यहाँ पर न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल का आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन है ना। तो आपको तीन प्रॉब्लम दिया हुआ है, तीनों प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन इसमें आपको एब्रेसिव जेट मशीनिंग में आपको दे दिया गया है ना। तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग यहां पर आपको दिखाया गया है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग का जो प्रोसेस है वो आपको यहां पर बताया जा रहा है। तो इन एब्रेसिव जेट मशीनिंग ए फोकस्ड स्ट्रीम ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल का आपको फोकस्ड स्ट्रीम जो है कैरीड बाय द हाई प्रेशर एयर और गैस इज मेड टू इम्पिंज ऑन द वर्क सरफेस थ्रू ए नोजल एंड द वर्क मटेरियल इज रिमूव्ड
बाय द इरोजन ऑफ द हाई वेलोसिटी एब्रेसिव पार्टिकल. एब्रेसिव मशीनिंग में ए फोकस्ड स्ट्रीम ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल वो आपको इसमें भेजा जाता है ना, कैरिड बाय द हाई प्रेशर गैस. हाई प्रेशर गैस से एब्रेसिव पार्टिकल जो है वो वर्क सरफेस पे इम्पिंज किया जाता है थ्रू ए नोजल, एंड वर्क मटेरियल इज रिमूव्ड बाय द इरोजन बाय हाई वेलोसिटी एब्रेसिव पार्टिकल. हाई वेलोसिटी एब्रेसिव पार्टिकल से जो आपको वर्क मटेरियल आपको रिमूव किया जाता है. द एजीएम डिफर्स फ्रॉम द सैंड ब्लास्टिंग. सैंड ब्लास्टिंग से ये आपको डिफर करता है. ये एब्रेसिव दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ है ना. सैंड ब्लास्टिंग इज एन एक्ट ऑफ द प्रोपेलिंग वेरी फाइन बिट्स ऑफ द मटेरियल एट हाई वेलोसिटी टू क्लीन और ईच ए सरफेस. सैंड ब्लास्टिंग में ए वेरी फाइन बिट्स ऑफ द सैंड मटेरियल जो है वो आपको भेजा जाता है. दूसरा, इन एजीएम ए फोकस्ड स्ट्रीम ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल कैरिड बाय द हाई प्रेशर गैस इज यूज्ड. है ना, ए फोकस्ड, ये आपको नोजल यहाँ आपको दिखाया गया है. ये यहाँ से नोजल दिखाया गया है. यहाँ से सैंड ब्लास्ट इंटर करता है और ये नोजल से आपको बाहर होता है ना. तो ये आपको नोजल से आपको सैंड जो है फोकस्ड स्ट्रीम के रूप में आपको भेजा जाता है. यही एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस है ना. दूसरा, एब्रेसिव जेट मशीनिंग में ए फोकस्ड स्ट्रीम ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल कैरिड बाय द हाई प्रेशर गैस इज यूज्ड. है ना, दूसरा डिफरेंस है. यूनिफॉर्म पार्टिकल्स ऑफ द सैंड स्टील ग्रिड कॉपर स्लैग पाउडर्ड एब्रेसिव आर यूज्ड. हियर सिलिकॉन कार्बाइड एल्युमिनियम ऑक्साइड ग्लास बिट्स डोलोमाइट सोडियम बाइकार्बोनेट्स आर यूज्ड एज एब्रेसिव. इसमें सिलिकॉन कार्बाइड यूज किया जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज किया जाता है, ग्लास बीड्स यूज किया जाता है, डोलोमाइट यूज किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया जाता है. ये आपको एब्रेसिव जेट मशीनिंग में यूज किया जाता है. इन सैंड ब्लास्टिंग एब्रेसिव आर स्प्रेड ऑल ओवर द यूजुअली फॉर क्लीनिंग सर्फेस फॉर द कोरोजन पेंट्स ग्लू एंड अदर कंटामिनेंट्स. सैंड ब्लास्टिंग में ये जो है आपको स्प्रेड किया जाता है क्लीनिंग सरफेस को. एजीएम इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर द क्लीनिंग बट आल्सो फॉर द कटिंग ऑपरेशन डिबरिंग ऑपरेशन डीफ्लेशिंग ऑपरेशन. एजीएम इज अ वेल कंट्रोल प्रोसेस कंपेयर टू द सैंड ब्लास्टिंग. सैंड ब्लास्टिंग में आपको कोरोजन को हटाया जाता है, पेंट को हटाया जाता है, ग्लू को हटाया जाता है. एब्रेसिव जेट मशीनिंग में आपको ये कंट्रोल प्रोसेस है. इसमें कटिंग भी किया जाता है, डिबरिंग भी किया जाता है, डीफ्लेशिंग भी किया जाता है. ये आपको एजीएम है ना. एजीएम इज मेनली यूज्ड टू कट इंट्रिकेट शेप्स इन द हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स व्हिच आर सेंसिटिव टू द हीट एंड द चिप इजीली. द प्रोसेस इज यूज्ड फॉर डिबरिंग एंड क्लीनिंग ऑपरेशन. एजीएम इज इनहेरेंटली फ्री फ्रॉम चैटर एंड द वाइब्रेशन प्रॉब्लम. है ना, स्कीमेटिक डायग्राम आपको दिया हुआ है. जेट ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल इज कैरिड बाय द एयर. द हाई वेलोसिटी स्ट्रीम ऑफ द एब्रेसिव इज जनरेटेड कन्वर्टिंग प्रेशर एनर्जी ऑफ द कैरियर गैस और एयर टू फिट्स द काइनेटिक एनर्जी हाई वेलोसिटी. जो नोजल इसमें आपको यूज होता है, ये नोजल आपको यहाँ पे दिखाया गया है. नोजल कई तरह के होते हैं, राउंड शेप्ड नोजल, रेक्टेंगुलर शेप्ड नोजल, राइट एंगल नोजल, स्ट्रेट एज नोजल, रेक्टेंगुलर नोजल, स्ट्रेट एज नोजल. ये नोजल आपको यहाँ पर दिखाया गया है. एक तरफ से आपको जो है यहाँ पर जो आपको एब्रेसिव पार्टिकल यहाँ से एंटर किया जाता है, यहाँ से एब्रेसिव पार्टिकल छोड़ा जाता है, और यहाँ से जो है आपको फोकस्ड स्ट्रीम, ये आपको नोजल का शेप यहाँ पर आपको ये सर्कुलर नोजल है, ये रेक्टेंगुलर नोजल है, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ना. तो ये नोजल का बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दिया जा रहा है ना. तो यहाँ पर नोजल का मटेरियल आपको दिखाया जा रहा है. टंगस्टन कार्बाइड होगा, स्फेयर होगा, राउंड शेप नोजल डायमीटर इतना होगा, रेक्टेंगुलर शेप स्लॉट ये इतना होगा, लाइफ ऑफ द नोजल हावर्स ये आपको इतना होगा.
desired property of the material used to nozzle, material has to withstand the erosive action of the abrasive particle. है ना, ये नोजल का जो है मटेरियल यहां पर आपको दिखाया गया है, टंगस्टन कार्बाइड का नोजल होता है, सेफेयर का नोजल होता है, तो ये आपको डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द नोजल आपको बताया गया है. इट शुड हैव ए गुड वियर रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी, इंक्रीज इन वियर ऑफ द नोजल एंड लीड्स टू द डाइवर्जेंस ऑफ द जेट स्ट्रीम. है ना, डाइवर्जेंस ऑफ द जेट स्ट्रीम कॉजेज स्ट्रे कटिंग एंड द इनक्यूरेट होल्स. इट शुड हैव गुड रेसिस्टेंस टू कोरोजन. It should be designed such that the loss of the pressure due to bend and friction is minimal. है ना, एब्रेसिव कौन कौन सा यूज होता है, तो ये एब्रेसिव यहां पर आपको बताया गया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्लास बिट्स, क्रश ग्लास एंड सोडियम बाइकार्बोनेट आर द एब्रेसिव यूज इन इजीनियम. टेबल में आपको सारे दिखाए गए हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिखाया गया है, सिलिकॉन कार्बाइड दिखाया गया है, ग्लास बिट्स दिखाया गया है, डोलोमाइट दिखाया गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट दिखाया गया है, ग्रेन साइज यहां पर आपको बताया गया है, ये सारे एब्रेसिव का है ना. तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग में आपको एब्रेसिव जो है हाई प्रेशर गैस से फोकस कर दिया जाता है, वो आपको एब्रेसिव जेट मशीनिंग है. ये आपको ग्रेन साइज आपको दिखाया हुआ है ना, एप्लीकेशंस आपको दिखाया हुआ है. इट इज गुड फॉर क्लीनिंग, कटिंग एंड डिवेरिंग, यूज्ड फॉर द सिमिलर एप्लीकेशन बट फॉर द हार्ड मटेरियल्स, इचिंग एंड पॉलिशिंग गिव मैट फिनिश, क्लीनिंग डिवेरिंग एंड कटिंग ऑफ द सॉफ्ट मटेरियल. है ना, डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द एब्रेसिव यूज्ड इन एजीएम, एब्रेसिव शुड हैव शार्प एंड इरेगुलर शेप, इट शुड बी फाइन इनफ to remain suspended in the carrier gas. In addition to the hardness, the important property of an abrasive is a friability. Friability is the ability of the abrasive grain to fracture into the small pieces. This property gives abrasive self-sharpening characteristic. High friability indicates the low strength or the low fracture resistance of the abrasive. High friable abrasive fragment more rapidly than lower friable abrasive. Aluminium oxide has the lower friability than the silicon carbide. It should be cheap and easily available. ये abrasive के property को आपको बता रहे हैं. What should be the abrasive property? It should have excellent flow characteristics. So silicon carbide and aluminium oxide are used for the cutting operation. Sodium bicarbonate, dolomite, glass beads are used for cleaning, etching, deburring and the polishing application. है ना, रीयूज ऑफ द एब्रेसिव इज नॉट रिकमेंडेड. है ना, रीयूज उसका एब्रेसिव का रीयूज नहीं होता है, क्योंकि कटिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाता है उसमें एंड कॉन्टामिनेशन क्लॉग्स द स्मॉल ऑफिसेस इन द नोजल. एब्रेसिव को जो है दोबारा यूज को जो है नहीं किया जाता है, इसके बारे में आपको बताया गया है. तो दो चीजें आपको यहां पर क्लियर कर दिया गया, एक तो नोजल के बारे में है ना, नोजल के बारे में आपको क्लियर कर दिया गया, डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द नोजल के बारे में क्लियर कर दिया गया, एब्रेसिव के बारे में क्लियर कर दिया गया, एब्रेसिव जो है किस तरह का होता है वो आपको यहां पर क्लियर कर दिया गया है. उसके बाद आपको प्रोसेस पैरामीटर, व्हाट आर द प्रोसेस पैरामीटर फॉर सक्सेसफुल यूटिलाइजेशन ऑफ द एजीएम प्रोसेस, इट इज नेसेसरी टू एनालाइज द फ्लो प्रोसेस क्राइटेरिया, मेटल रिमूवल रेट, ज्योमेट्री एंड सरफेस फिनिश ऑफ द वर्किस, वियर रेट ऑफ द नोजल. प्रोसेस क्राइटेरिया जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोसेस पैरामीटर, और यहां पर आपको बताया गया है क्या क्या प्रोसेस पैरामीटर है. प्रोसेस पैरामीटर एब्रेसिव से मटेरियल कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, शेप किस तरह का यूज करेंगे, साइज कितना यूज करेंगे, मास फ्लो कितना यूज करेंगे, ये एब्रेसिव का जो आपको प्रोसेस पैरामीटर है. प्रोसेस पैरामीटर का मतलब हो गया कि जो प्रोसेस जो एब्रेसिव जेट मशीनिंग का कटिंग का प्रोसेस है वो किस पे किस किस पे डिपेंड करता है, तो कैरियर गैस पे डिपेंड करता है. उसका कंपोजिशन कैरियर गैस का क्या है, एयर, CO2 और NO2 पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, प्रेशर कितना है उस पे डिपेंड करता है, फ्लो रेट कितना है उस पे डिपेंड करता है, एब्रेसिव जेट का वेलोसिटी कितना है उस पे डिपेंड करेगा, मिक्सिंग रेशियो कितना है उस पे डिपेंड करेगा, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द वर्कपीस एंड द नोजल, उसको स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बोलते हैं. स्टैंड ऑफ डिस्टेंस वेरी करेंगे तो मेटल का मेटल कटिंग रेट को वो वेरी होगा. इंपिंजमेंट एंगल
इसमें वेरी होगा। नौजल, नौजल किसमें, किस मटेरियल का बना हुआ है, टंगस्टन का बना हुआ है, स्फीयर का बना हुआ है, डायमीटर कितना है, लाइफ उस पर आपको डिपेंड करेगा। ये सारे प्रोसेस पैरामीटर्स है आपको एब्रेसिव जेट मशीनिंग के। मतलब प्रोसेस पैरामीटर का मतलब ये क्राइटेरिया, मटेरियल रिमूवल रेट वो उस पर डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री डिपेंड करेगा, सरफेस फिनिश डिपेंड करेगा, वियर रेट ऑफ द नोजल डिपेंड करेगा, ये आपको उस पर आपको डिपेंड करेगा, उसमें आपको दिया हुआ है। प्रोसेस कैपेबिलिटी, प्रोसेस कैपेबिलिटी आपको यहां पर आपको दिया गया है, मेटल रिमूवल रेट इतना है, नैरो स्लेट्स इतना है, सरफेस फिनिश इतना है, शार्प रेडियस इतना है, स्टील अप टू द 1.5 मीटर, ग्लास अप टू द इज पॉसिबल टू कट, है ना। तो ये सारे प्रोसेस पैरामीटर आपको दिए हुए हैं। उसके बाद एप्लीकेशन आपको एजीएम का दिया हुआ है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग का एप्लीकेशन आपको दिया हुआ है। एब्रेसिव जेट मशीनिंग यूज्ड फॉर एब्रेडिंग, फ्रॉस्टिंग ग्लास, सिरामिक्स, रेफ्रैक्ट्रीज एंड मोर इकोनॉमिकली एज कंपेयर टू द इचिंग और ग्राइंडिंग, क्लीनिंग ऑफ द मेटालिक स्मीयर्स ऑन सिरामिक्स, ऑक्साइड ऑन मेटल्स, रेसिस्टिंग कोटिंग, ये इसके बारे में दिया हुआ है। AGM is useful in the manufacture of the electronic devices, drilling of the glass warfare, deburring of the plastic, making of the nylon and Teflon parts, permanent marking on the rubber stencil, deplacing small casting and the trimming of the parting lines of the injection molded parts on the forging, used for the engraving registration number on the toughened glass used for the car window. It is used for the cutting thin fragile component like germanium, silicon, quartz and mica. Micro module fabrication for the electrical contact semiconductor processing can be done effectively. It is used for drilling, cutting, deburring, etching and polishing of the hard and brittle material. More suitable for machining brittle and heat sensitive material like glass, quartz, sphere, mica, ceramics, germanium, silicon and the gallium. It is also good for the deburring small holes like in the hyperdemic needles and for the small mill slots in the hard metallic components. It can be used for the micro machining of the brittle materials. It is used in the fine drilling and aperture drilling for the electronic microscope used for the cleaning metallic molds and the cavity. It is used for the cleaning surface of the from corrosion, paints, glue and other contaminants, deburring of the surgical needles, hydraulic valves, nylon, teflon and derlin, engraving of the glass using rubber or metallic star. ये आपको 16 applications of the AGM आपको clear बता दिया गया है कि ये questions जो है exam में आपको पूछे जाते हैं। जब आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर आता था तो एप्लीकेशन एजीएम का क्या है, प्रोसेस पैरामीटर क्या है, ये सारे कंप्लीटली आपके उस पर बेस्ड है। एडवांटेज ऑफ द एजीएम क्या क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द एजीएम, हाई सरफेस फिनिश कैन बी ऑब्टेंड डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेन साइज, ये आपको पार्टिकल साइज आपको दिया हुआ है, सरफेस रफनेस आपको दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ द डैमेज इज द लो, ये आपको दिखाया हुआ है। इट प्रोवाइड्स कूल कटिंग कनेक्शन सो इट कैन मशीन डेलिकेट एंड हीट सेंसिटिव मटेरियल सच एज ए ग्लास एंड द सिरामिक्स, दे कैन बी मशीन विदाउट अफेक्टिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, प्रोसेस इज फ्री फ्रॉम द चैटर एंड वाइब्रेशन एज देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द टूल एंड द वर्क पीस, कैपिटल कॉस्ट इज द लो, ये आपको एडवांटेज है। जितने भी मशीनिंग प्रोसेस मैंने आपको अभी दिखाए सब में सबसे कम प्राइस जो है एब्रेसिव जेट मशीनिंग का है, कैपिटल कॉस्ट इसमें आपको लो लगेगा दूसरे मशीनिंग प्रोसेस के संदर्भ में। इट इज इजी टू ऑपरेट एंड मेंटेन द एजीएम, थिन सेक्शन ऑफ द हार्ड मेटल मटेरियल्स लाइक जर्मेनियम, मिका, सिलिकन, ग्लास एंड सिरामिक्स कैन बी मशीन, हार्ड मटेरियल लाइक देखिए जर्मेनियम आपका, मिका, सिलिकन, ग्लास एंड सिरामिक्स भी आपको इससे मशीन हो जाता है।
इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ द कटिंग होल्स ऑफ द इंट्रिकेट शेप इन हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल. एब्रेसिव जेट प्रोसेस प्रोड्यूसेस सरफेसेस व्हिच हैव अ हाई वियर रेसिस्टेंस. ये आपको एडवांटेजेस ऑफ द एब्रेसिव जेट मशीनिंग, ये आपको एडवांटेजेस ऑफ द एब्रेसिव जेट मशीनिंग, ये आपको यहां पर आपको बता रहा है ना. दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, कुछ लिमिटेशंस है, वो आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है. लिमिटेड कैपेसिटी ड्यू टू द लो मेटल रिमूवल रेट, इसका मेटल रिमूवल रेट इसका कम है. मेटल रिमूवल रेट ऑफ द ग्लास इज 40 ग्राम पर मिनट. एब्रेसिव मे गेट इम्बेडेड इन द वर्क सर्फेस स्पेशली व्हाइल मशीनिंग सॉफ्ट मटेरियल लाइक इलास्टोमर और द सॉफ्ट पार्टिकल्स. द एक्यूरेसी ऑफ कटिंग इज हैम्पर्ड बाय टेपरिंग ऑफ द होल ड्यू टू अनअवॉइडेबल फ्लेयरिंग ऑफ द एब्रेसिव जेट. स्ट्रे कटिंग इज डिफिकल्ट टू अवॉइड, हेंस एक्यूरेसी इज नॉट गुड. एक्यूरेसी इसमें आपको कम रहता है दूसरा मशीनिंग प्रोसेस के कंपेरिजन में. ए डस्ट कलेक्शन सिस्टम इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट टू प्रिवेंट एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन एंड द हेल्थ हैजर्ड. नोजल लाइफ इज लिमिटेड, यहां पर आपको इसका नोजल का लाइफ भी है वो आपको लिमिटेड है. एब्रेसिव पावर कैन नॉट बी रीयूज एज ए शार्प एज आर वर्न एंड ए स्मॉलर पार्टिकल्स कैन क्लॉग द नोजल. शॉर्ट स्टैंड ऑफ डिस्टेंस वैन यूज फॉर कटिंग डैमेज द नोजल. The process accuracy is poor because of the flaring effect of the abrasive jet. है ना? Process accuracy इसमें आपको poor है. Deep hole will have unacceptable taper. Deep hole जब बनाएंगे तो आपको उसमें taper बन जाता है. Process is not environment friendly and causes pollution. ये आपको pollution create करता है. Sand उसमें blast करते हैं तो sand जो है pollution create करता है. Some hazards is involved in using AGM process because of the airborne abrasive particles. है ना? This problem can be solved. तो ये आपको disadvantage of the AGM आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना? Disadvantage of the AGM आपको यहाँ पर बताया गया है. Advantage of the AGM आपको बताया गया है. Applications of the AGM बताया गया है. Process capability बताया गया है, किस किस का जो है process capability है ये बताया गया है. और process parameters आपको बताया गया है कि process parameter क्या क्या process parameter है abrasive jet machining का, वो यहां पर आपको बताया गया. Abrasive का property वो यहां पर आपको बताया गया है ना. एब्रेसिव कौन कौन सा एब्रेसिव यूज होता है, एब्रेसिव की प्रॉपर्टी क्या क्या है, कौन कौन सा एब्रेसिव यूज होता है, उसका ग्रेन साइज क्या है, उसका एप्लीकेशन कहां पर कौन सा एब्रेसिव यूज होगा उसके बारे में यहां बताया गया है. नोजल डिजायर प्रॉपर्टी ऑफ द नोजल, हाँ बताइए. डिजायर प्रॉपर्टी ऑफ द नोजल, और नोजल ये मटेरियल का होगा, टंगस्टन कार्बाइड का होगा और सेफ स्फीयर का होगा है ना. लाइफ उसका दिया गया है, रेक्टेंगुलर शेप आपका होगा, राउंड शेप आपका, यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, ये डायमेंशन दिया हुआ है रेक्टेंगुलर शेप का. दो तरह के नोजल होंगे, राउंड शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का है ना. नोजल के बारे में हेलो आप बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं सर? अटेंडेंस ले लो. हाँ अटेंडेंस ले ले रहे हैं, अब अटेंडेंस ले ले रहे हैं यहाँ पर आपका. ओके सर. हाँ अटेंडेंस ले ले रहे हैं. ठीक है सर, ठीक है. तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग में आपको यही प्रोसेस है ना. एब्रेसिव जेट मशीनिंग सैंड ब्लास्टिंग में आपको डिफरेंस बताया गया है. Abrasive jet machining is a focus system of the abrasive particle carried by the high pressure or gas made impinge on the work surface through a nozzle, and work material is removed by the erosion of the high velocity abrasive particles. तो आज इसी को मैं फिर दोबारा अभी आपको रिपीट करूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा.
इसमें शेखर जी 41 आए हुए हैं, 25 कौशल जी आए हुए हैं, आकाश पवार जी 3 आए हुए हैं, अंकित शर्मा जी 6 आए हुए हैं, आशीष जी 7 आए हुए हैं, चंदन शाह जी 8 आए हुए हैं, हिमांशु जी 17 आए हुए हैं, हिमांशु पुंडीर जी 18 आए हुए हैं, हृदेश जी 19 आए हुए हैं, जैनेश चौहान जी 22 आए हुए हैं, जितेंद्र राणा जी 23 आए हुए हैं, कार्तिक प्रासद जी आए हुए हैं 24, नंदिनी जी आए हुए हैं 29, राहुल सिंह जी आए हुए हैं 34, ये 17 पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका नाम फिर से मैं आपको बोल देता हूँ, राहुल सिंह जी 34, नंदिनी जी 29, कार्तिक प्रासर जी 24, जितेंद्र राणा जी 23, जैनेश चौहान जी 22, हृदेश जी 19, हिमांशु पुंडीर जी 18, हिमांशु जी 17, चंदन शाह जी 8, आशीष जी 7, अंकित शर्मा जी 6, आकाश पवार जी 3, कौशल जी 25, शेखर जी 41। ये सारे आपके प्रेजेंट आज आए हुए हैं। ये आपको सिलेबस में आपको आज शेयर कर रहा था, ये आपको सिलेबस है जिसमें आपको बताया गया है कि यूनिट 1 में टूलिंग फॉर कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, प्रेस टूल दिया हुआ है, कटिंग टूल दिया हुआ है, होल्डिंग टूल दिया हुआ है, जिग्स एंड फिक्चर दिया हुआ है, प्रेस टूल्स आपको दिया हुआ है, डिजाइन ऑफ डाई पंच दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ द फोर्जिंग डाई डिजाइन आपको दिया हुआ है। यूनिट 2 में मेट्रोलॉजी का पार्ट है, मेट्रोलॉजी के बारे में डायमेंशन, फॉर्म्स, सरफेस मेजरमेंट, लिमिट्स, फिट्स, टॉलरेंसेस, ये आपको मेट्रोलॉजी का बुक में मिलेगा। मेट्रोलॉजी का बुक आती है, आर के जैन की आती है और जेमिस हॉफर की आती है, उसमें आपको ये मिलेगा। लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, कंपैरेटर्स, गेज डिजाइन, इंटरफेरोमेट्री, मेट्रोलॉजी इन द टूल वियर एंड पार्ट क्वालिटी, है ना, ये मेट्रोलॉजी का आपको सिलेबस दिया हुआ, इंस्पेक्शन एंड वर्क पीस क्वालिटी। यूनिट 3 में असेंबली प्रैक्टिस के बारे में आपको बताया गया है, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली के बारे में बताया गया है, प्रोसेस पालन के बारे में बताया गया है, सेलेक्टिव असेंबली के बारे में बताया गया है, मटेरियल हैंडलिंग एंड डिवाइसेस के बारे में बताया गया है। यूनिट 4 में एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में बताया है, वाटर जेट मशीनिंग के बारे में बताया गया है, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग के बारे में है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। यूनिट 4 से 6 ये मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसी में है, और यूनिट 3 ये असेंबली मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली का बुक है उसमें है, और यूनिट 2 आपका मेट्रोलॉजी का बुक में है, और ये आपको जिग्स एंड फिक्चर, प्रेस टूल, ये आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का आपको बुक में आपको मिलेगा। तो सिलेबस में काफी वेरिएशन है, एक बुक में आपको कोई भी टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, ये नया AICTE करिकुलम का सिलेबस है, इसीलिए इसका बुक भी अभी मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं है, एक बुक के सिलेबस में आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो एक्टिव डिस्चार्ज मशीनिंग है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है, लेजर बीम मशीनिंग है, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग है, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग कंपोनेंट है, इसके बारे में आपको यहाँ पर सिलेबस में आपको दिया गया है ना। तो ये आपको सिलेबस का पार्ट है। दूसरा एब्रेसिव जेट मशीनिंग, यूनिट 4 में जो दिया गया था एब्रेसिव जेट मशीनिंग, उसी के बारे में आशीष 07 वो अभी इंटर कर रहे हैं, हाँ आशीष जी का हो गया है। तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग क्या है, ये सैंड ब्लास्टिंग से, सैंड ब्लास्ट में सैंड जो है नोजल से फेंका जाता है, और एब्रेसिव जेट मशीनिंग जो है आपको कंट्रोल प्रोसेस है,
सैंड ब्लास्टिंग का, यहाँ आपको सैंड ब्लास्टिंग और एब्रेसिव जेट मशीनिंग का डिफरेंस दिखाया गया है, है ना। एब्रेसिव जेट मशीनिंग इज ओनली यूज टू कट इंट्रिकेट शेप्स इन हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स विच आर सेंसिटिव टू हीट एंड द चीप इजिली। द प्रोसेस इज ऑल्सो यूज फॉर द डिबरिंग एंड क्लीनिंग ऑपरेशन। ये आपको एब्रेसिव जेट मशीनिंग आपको बताया हुआ है, ये सारे एडवांस हैं। इस पे आपको एब्रेसिव जेट मशीनिंग के जितने आपको यहाँ पर सिलेबस में दिया हुआ है सभी पे आपको रिसर्च चल रहा है अभी। जो एमटेक के थेसिस, बीटेक के थेसिस और पीएचडी के थेसिस, इन सारे प्रोसेसेस में आपको किए जा रहे हैं। तो आप इसमें बीटेक का थेसिस जो है इसमें एब्रेसिव जेट मशीनिंग पे आप कर सकते हैं। एब्रेसिव जेट मशीनिंग जो है रामदत्त भट्ट 38 इज एंटरिंग नाउ। एब्रेसिव जेट मशीनिंग ये बना सकते हैं। एब्रेसिव जेट मशीनिंग इसमें कंप्रेसर लगता है हाई प्रेशर यूज के लिए, दूसरा नोजल है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए हमारे एक स्टूडेंट ने बनाया हुआ था एब्रेसिव जेट मशीनिंग का जो है मॉडल जो है बनाया हुआ था एब्रेसिव जेट मॉडलिंग मशीनिंग का। तो ये आप बना सकते हैं, इसमें आप जो है रिसर्च पेपर भी इसमें आप लिख सकते हैं, थेसिस भी इस पे जो है आप रेडी कर सकते हैं एब्रेसिव जेट मशीनिंग में, है ना। तो इसमें दो तरह के नोजल होते हैं, ये दो तरह का नोजल का आपको फिगर दिखाया गया है। एक राउंड नोजल होता है, एक रेक्टेंगुलर नोजल होता है। और नोजल का प्रॉपर्टी क्या क्या होगा वो यहां पर आपको बताया गया है। एब्रेसिव क्या क्या यूज किया जा रहा है उसके बारे में यहां पर आपको बताया गया है। एब्रेसिव कौन कौन सा एब्रेसिव यूज करते हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। और एब्रेसिव की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी ये इसमें आपको यहां पर आपको बताया गया है ना। प्रोसेस पैरामीटर्स क्या क्या प्रोसेस पैरामीटर है, ज्योमेट्री एंड सरफेस फिनिश ऑफ द वर्केस, एब्रेसिव किस तरह का होना चाहिए, कैरियर गैस किस तरह का होना चाहिए, एब्रेसिव जेट किस तरह का होना चाहिए, नोजल किस तरह का होना चाहिए, प्रोसेस कैपेबिलिटी किस तरह का होना चाहिए, ये आपको बताया हुआ है। प्रोसेस पैरामीटर आपको यहाँ पर क्लियर किया गया है, प्रोसेस पैरामीटर एब्रेसिव जेट मशीनिंग में क्या क्या होगा यहाँ पर ये क्लियर किया गया। एब्रेसिव कौन कौन सा एब्रेसिव होगा, शेप किस तरह का होगा, साइज कितना होगा, मास फ्लो रेट कितना होगा, कैरियर गैस क्या होगा, एयर CO2 और Na2N2 यूज कर सकते हैं, उसकी डेंसिटी इतनी होगी, इसकी वेलोसिटी इतनी होगी, इसकी प्रेशर इतनी होगी, इसकी फ्लो रेट इतनी होगी, एब्रेसिव जेट का वेलोसिटी इतना होगा, मिक्सिंग रेशियो इतना होगा, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस इतना होगा, नोजल का मटेरियल आपको टंगस्टन कार्बाइड और स्फेयर होगा, डायमीटर इतना से इतना तक रहेगा, लाइफ उसका इतना रहेगा, और प्रोसेस कैपेबिलिटी आपको बताया गया है यहाँ पे। एप्लीकेशंस ऑफ द AGM आपको ये क्लियर यहाँ पे बताया जा रहा है। ये आपको ग्लास सिरामिक्स रिफ्रैक्टरी को इचिंग और ग्राइंडिंग के लिए यूज किया जाता है, क्लीनिंग ऑफ द मेटालिक स्मेयर्स ऑन द सिरामिक्स ऑक्साइड ऑन मेटल उसके लिए यूज किया जाता है। AGM इज यूजफुल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ड्रिलिंग ऑफ द ग्लास वारफेयर, मेकिंग ऑफ नायलॉन एंड द टेफ्लॉन पार्ट्स, परमानेंट मार्किंग ऑन द रबर स्टेंसिल, डीप फ्लेसिंग, स्मॉल कास्टिंग एंड ट्रिमिंग ऑफ द पार्टिंग लाइन्स, यूज फॉर इन ग्रैबिंग रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन टफर्ड ग्लास यूज फॉर द कार विंडोज इसके लिए किया जाता है, यूज फॉर ड्रिलिंग कटिंग डिवरिंग इसके लिए किया जाता है, मोस्ट सुटेबल फॉर द मशीनिंग ब्रिटल एंड हीट सेंसिटिव मटेरियल लाइक ग्लास क्वार्ट्ज इसके लिए यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो गुड फॉर द डिबरिंग स्मॉल होल्स उसके लिए किया जाता है। इट इज यूज इन द फाइन ड्रिलिंग एपर्चर ड्रिलिंग फॉर द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, यूज फॉर क्लीनिंग मेटालिक मोल्ड्स एंड द कैविटी, डिबरिंग ऑफ द सर्जिकल नीडल्स एंड हाइड्रोलिक वाल्व्स, नायलॉन टेफ्लॉन एंड द डर्लिन, इंग्रेविंग फॉर द ग्लास रबर मेटालिक मिस्टेक्स उसके लिए किया जाता है। एडवांटेज यहां पर आपको बताया जा रहा है कि एडवांटेज
आपको एजीएम के क्या क्या, हाई सरफेस फिनिश, डेप्थ ऑफ द डैमेज, इट प्रोवाइड्स कूल कटिंग एक्शन सो इट कैन मशीन डेलिकेट एंड हीट सेंसिटिव मटेरियल सच एज ए ग्लास एंड सिरामिक्स, प्रोसेस इज फ्री फ्रॉम द चैटर एंड वाइब्रेशन एंड कैपिटल कॉस्ट इज द लो, इट इज इजी टू ऑपरेट एंड मेंटेन एजीएम, थिन सेक्शंस ऑफ द हार्ड ब्रिटल मटेरियल्स लाइक द जर्मेनियम मिक्का सिलिकन ग्लास सिरामिक्स कैन बी मशीन, इट हैज ए हाई कैपेबिलिटी ऑफ द कटिंग होल्स ऑफ द इंटीग्रेट शेप्स, ये आपको बताया गया, डिसएडवांटेज बताया गया, ये सारे डिसएडवांटेज हैं, लिमिटेड कैपेसिटी ड्यू टू लो एमआरआर, एब्रेसिव मे गेट इम्बेडेड इन द वर्क सरफेस, ना वर्क सरफेस में वो इम्बेड हो जाता है एब्रेसिव, दूसरा एक्यूरेसी ऑफ कटिंग इज द हैम्पर्ड,